I am Utpal sir. At first I'd like to thanks with congratulation to you, because as per your kind request I have been taking online classes from the first day of lockdown on behalf of our Just Telegraph Training Center, Srirampur Smart Center. So उसके साथ मैं उम्मीद रखूँगे तुम लोग भी हमारा ऑनलाइन क्लास में हिस्सा ले रहे हो हर रोज. तो पिछले कई क्लासों में हम पेरोल रिलेटेड अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो उसमें जो पेरोल रिलेटेड एम्प्लॉयज़ क्रिएशन है उसका जो फील्ड है, उस फील्ड में घुसने के बाद एंटर दबाने के बाद हम कैसे फिलअप करेंगे वही हम दिखा रहे हैं. तो उसमें जो पेमेंट डिटेल्स का जो फील्ड आएगा उसमें क्या देना है, इसका मतलब है उस कंपनी में उस कोई एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलता है किसी बैंक के जरिए, तो उस किस जिस बैंक में उस एम्प्लॉय का अकाउंट्स खुला है, सैलरी रिलेटेड अकाउंट्स खुला है, उसका उस बैंक का नाम यहाँ पे देना है. सपोज़ यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका ब्रांच भी देना है श्रीरामपुर. नेक्स्ट उसका अकाउंट नंबर भी देना है, हाँ, तो उसका अकाउंट नंबर भी देना है. तो हम एक डेमो नंबर दिया है. तो नेक्स्ट ये जो ये है इतना ही पेमेंट डिटेल्स. नेक्स्ट क्या है, स्टैट्यूटरी डिटेल्स जो है उसको हम कैसे देना है. तो स्टैट्यूटरी डिटेल्स में एम्प्लॉयज़ का आईटी पैन नंबर क्या है उसका पैन डिटेल्स देना है. नेक्स्ट पीएफ अकाउंट्स नंबर क्या है उसका भी देना है, और ईएसआई नंबर क्या है उसको भी देना है. तो हाँ, तो नेक्स्ट पासपोर्ट डिटेल्स और वीज़ा डिटेल्स. पासपोर्ट डिटेल्स और वीज़ा डिटेल्स क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय आउट स्टेशन ट्रैवल करता है तो तब उसका जो पासपोर्ट और वीज़ा का डिटेल्स उसको देना पड़ता है. उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसका कौन सी कंट्री से इशू है, और उसको एक्सपायर उस पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा, उसका वीज़ा नंबर क्या है, उसका वीज़ा कब से मैंने कब एक्सपायर होगा, वही हमको यहाँ पे देना है. तो हम यहाँ पर एक डेमो पासपोर्ट नंबर दिया हुआ है, कंट्री इंडिया दिया है, और पासपोर्ट इशू एक्सपायर दिया है एक डेमो नंबर में, हाँ, डेमो डेट में. तो ऐसे ही हमको यहाँ पे फिलअप करना. नेक्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स. तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय पार्मानेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्चुअल है तब जाके यहाँ पे, लेकिन हर एम्प्लॉय का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हाँ. सपोज़ इसमें कैजुअल जो लेबर है और कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेबर है और एम्प्लॉय है उसके लिए अगर क्रिएशन करे तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसका देना है. तो क्या क्या देना है, उसका वर्क परमिट नंबर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब से हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा. तो यहाँ पे हम एक मिनिमम 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और एक डेट भी दिया है. तो हम तो ऐसे करके एम्प्लॉयज़ क्रिएशन में सारे फील्ड कैसे क्रिएशन होगा वो हम दिखा सके. और तो आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट दैट. तो हम नेक्स्ट पेरोल वाउचर के बारे में हम बताएंगे, तुम देखते रहो.